वेलकम बैक टू माय चैनल डार्कर गेम्स। आज हम दोबारा से इजी पार्ट खेलने वाले हैं और ये बात का वॉइस ओवर नहीं है, लाइक ये अभी का ही वॉइस ओवर है और अभी भी मैं साथ में गेम प्ले करूँगी, क्योंकि अभी तक तुम लोगों ने मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट नहीं किए भाई, तो इस वजह से मेरा लाइव स्ट्रीम ऑन नहीं हो रहा। जैसे ही लाइव स्ट्रीम मेरा ऑन हो जाएगा उसके बाद मैं लाइव स्ट्रीम किया करूँगी, क्योंकि लाइव स्ट्रीम में ये होता है कि कमेंट्स आते हैं, गाइडेंस मिलती है, टिप्स एंड ट्रिक्स मिलती हैं, तो बहुत मज़ा आता है। और इस गेम प्ले में थोड़ा सा मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि हमें कोई गाइड करने वाला नहीं होता, हमने अकेले ही सारा काम करना होता है, तो इस वजह से थोड़ी सी टेंशन होती है। खैर कोई बात नहीं, वो हम मैनेज कर लेंगे। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ से बाहर जा रही हूँ और पहले मैं वॉशरूम चेक कर लूँ, क्योंकि वॉशरूम में कभी कभार एक चाबी रख दी जाती है। ये बस अब ग्रैनी आके ना मुझे मार दे। खैर मुझे चाबी मिल गई तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है, कार की मुझे मिल गई है। अब बस आई विश कि आज का मेरा एस्केप कंप्लीट हो जाए भाई ब्रो। आज का एस्केप कंप्लीट हो गया ना तो फिर तो मौजा ही मौजा हो जाएंगी, क्योंकि पहले तो मैंने बहुत बार एस्केप किया, लाइक मैंने प्रैक्टिस में भी खेला और मैं बहुत ज़्यादा इरीटेट हो गई थी, मैं बहुत ज़्यादा तंग आ गई थी, क्योंकि एंड टाइम पे मैं कार एस्केप करूँ या डोर एस्केप करूँ, कोई भी मैं एस्केप करना चाह रही हूँ, उसमें पैडलॉक की मुझे नहीं मिल रही थी और इतना शदीद गुस्सा आया, मुझे लगा कि इन्होंने मुझे गेम ही ख़राब दी है, मतलब कि गेम जानबूझकर ख़राब देते हैं। लेकिन ब्रो ऐसा नहीं है भाई, बहुत बड़ी मैं आपको क्या कहूँ ब्रांड है ब्रांड, तो इन्होंने गेम ख़राब नहीं दी थी मुझे। मेरी गलती थी कि मैं स्क्रू ड्राइवर का काम नहीं कर सकी, मुझे लगा कि स्क्रू ड्राइवर जो है वो बस ऐसे एक्स्ट्रा दिया गया है या कोई सेकंड पार्ट का कोई हिस्सा होगा, लेकिन वो ब्रो स्क्रू ड्राइवर जो था ना उससे बेसमेंट में एक जगह खुलती है, लाइक बिल्कुल छोटी सी जगह है, उस पे एक बार मेरा हाथ भी आया था और शायद वो मेरे जहन से निकल गया कि वहाँ पर भी कोई जगह है जो सिर्फ स्क्रू ड्राइवर से खुल सकती है। तो बस वो एक मेरी गलती थी जिसकी वजह से मैं वो प्रैक्टिस वाला गेम प्ले हारी हूँ, क्योंकि मुझे एंड टाइम पे पैडलॉक की नहीं मिली थी, जिसकी वजह से हुआ था कुछ ऐसे कि पैडलॉक की नहीं मिली और मैं कार एस्केप नहीं कर सकी, क्योंकि जब तक गैराज का डोर ओपन नहीं होता हम लोग कार लेके बाहर नहीं जा सकते, चाहे हम उसे जितनी भी टकरें मार लें वो कार बाहर नहीं जाती। तो बस ये एक इशू आ गया था गेम में। तो फिर मुझे ना एक बार कुछ सोचा मैंने, मैंने कहा यार ये स्क्रू ड्राइवर अगर है गेम में तो इसका कोई ना कोई मकसद तो होगा होगा होगा। मैं सोच सोच के बहुत परेशान थी मैं। फिर मुझे कुछ लगा, मैंने कहा चलो यहाँ पे जाके देखते हैं। फिर मैंने वहाँ पे देखा तो ब्रो वहाँ पे जो था ना, बस मैं क्या कहूँ कि फिर मेरा दिल भी बहुत दुखा। मैंने कहा मैं इतने अरसे से इंतज़ार कर रही थी कि मीन्स कि मुझे कुछ मिले 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 यार, कोई जगह हो ऐसी, मैं मतलब मैं जो भी गेम प्ले करती लाइक प्रैक्टिस में करती या फिर वो मैं इजी मोड में करती, क्योंकि मैं ये दोनों पार्ट्स ही खेलती हूँ जो असल बात है भाई, क्योंकि बाकी पार्ट्स खेलना थोड़ा मुश्किल है। खैर तो कोई बात नहीं, अभी तो हम न्यू हैं, न्यू भी हैं भाई, तो न्यू भी के लिए इतनी सी रियायत तो होती है ना, और तो इतनी सी रियायत तो वो हमें ग्रैनी भी दे दे। खैर तो फिर ना जब मुझे वहाँ पे पता चला, मैंने कहा यार ये स्क्रू ड्राइवर की यहाँ पे जगह थी, तो फिर मैंने कहा चलो अब फिर उस टाइम अब जाहिर सी बात है प्रैक्टिस है उसमें ग्रैनी भी नहीं आती, इतना मज़ा भी नहीं आता और फिर बार बार अब प्रैक्टिस खेलना अच्छा भी नहीं लगता भाई, बेइज्जती होती है। तो फिर मैंने ना उसके बाद क्या किया कि मैंने फिर अब मैं स्क्रू ड्राइवर के पीछे पड़ गई हूँ। अब जब भी मैं गेम प्ले करती हूँ मैं पहले कोशिश करती हूँ मैं गन बना के स्क्रू ड्राइवर नीचे गिरा के लूँ और फिर जाऊँ वहाँ से। खैर फिलहाल तो अभी हम ये विंच हैंडल लेके जा रहे हैं, क्योंकि नीचे वाले रास्ते से हम नहीं जा रहे, हम ऊपर वाले रास्ते से जाते हैं। ये विंच हैंडल मुझे पहुँचाना है किचन के रास्ते से, किचन के रास्ते से मुझे यहाँ पे पहुँचाना है। खैर फिलहाल इसको मैं इधर फेंक देती हूँ, क्योंकि मुझे पहले किचन देखना है, किचन देखना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रैनी मैडम तो अभी बेहोश हैं और किचन देखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है भाई, किचन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तीन चार तो होती ही हैं कभी कभार। खैर ग्रैनी नहीं भी रखती बहुत मूड में हो तो, लेकिन खैर कभी कभार रख भी देती है, तो बस किचन देख लिया करो लाजमी अच्छे से कि कुछ मिल जाया करे तुम लोगों को भी।
खैर इस गेम प्ले पे तो इस ग्रैनी माँ ने कुछ भी नहीं रखा किचन में, बहुत ही कंजूसी की है। तो ये कॉकविल पड़ा हुआ है, बाकी इधर तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे भी अभी कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे बुक है, बुक से बस एक ग्रैनी की शक्ल ही बनती है। पता नहीं वो एंडिंग पॉइंट पे जब हम गेट का स्केप करेंगे तब काम आएगा या नहीं आएगा, कोई पता नहीं। और एक स्पार्क प्लग मिल गया मुझे। खैर फिलहाल मैं ये वाटरमेलन लेके जा रही हूँ यहाँ से नीचे की तरफ, और नीचे जाके मैं ये कट करती हूँ। फिर उसके बाद विंच हैंडल भी उठाना है, लेकिन विंच हैंडल उठाने से पहले मैं एक बार ग्रैनी की शक्ल देखना मुनासिब समझूंगी, क्योंकि अभी मुझे पता है वो अभी जा गई होगी और अभी वो फौरन आएगी। खैर इससे मुझे मास्टर की मिली है जो कि मेन डोर की है। यहाँ पे मुझे पार्ट ऑफ अ शॉटगन मिला है, तो मैं बेहतर ये समझती हूँ कि मैं पार्ट ऑफ अ शॉटगन लेके नीचे चली जाऊँ बेसमेंट में, क्योंकि अब तो 2 मिनट्स हो गए होंगे मुझे तुम लोगों से बातें करते हुए ग्रैनी को बेहोश हुए। तो ग्रैनी बस अब जाग गई होगी, और जहाँ से भी उसको हल्की फुल्की सी भी आवाज़ आएगी तो फौरन भागती हुई आएगी। खैर फिलहाल यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो स्पेशल की भी रखी गई है आज तो इधर ही, और आज किचन में ज़्यादा चीज़ें नहीं रखी गई। तो चलो भाई कोई बात नहीं, हम उसको भी मैनेज कर लेते हैं। हैमर भी रखा गया है यहाँ पे आज, और मैं अभी यहाँ से नीचे वापस घुस जाती हूँ। और देखा तुम लोगों ने ग्रैनी जा गई है, देखा ना आई है पीछे। खैर मैं यहाँ से ऊपर चली जाती हूँ, अब वो आएगी इधर तो इधर खड़ी रहेगी, ट्रैप लगा के जाएगी, तो मेरा इन सीढ़ियों से चढ़ के जाने वाला कोई रास्ता नहीं है। तो मैं यहाँ से जगह बनाती हूँ और यहाँ से जाती हूँ। रिमोट है इधर पड़ा हुआ, रिमोट में ज़्यादातर तो बस खाली पेपर स्प्रे ही होता है। खैर फिर भी अगर ना कुछ चीज़ें मिली तो एंड टाइम पे हमें यहाँ पे भी देखना पड़ेगा। और ये यहाँ पे भी देख लेते हैं, कौवे के पास भी देख लेते हैं कि क्या है इसके पास। सेफ की है कौवे के पास आज तो, और सेफ की भी ज़रूरी होती है क्योंकि वहाँ से भी कोई ना कोई चीज़ मिलती है छोटी, या कोई की वगैरह मिल जाती है। यहाँ पर मीट भी रखा गया है और फ्रीज ट्रैप है। फ्रीज ट्रैप में बंदा खुद भी फ्रीज हो जाता है, खुद भी हो मतलब ट्रैप हो जाता है, और ग्रैनी भी हो सकती है। तो भाई अपने आप को ना करना, उसको ही करने की कोशिश करना। तो अभी तो मुझे गन चाहिए इसको बनाने के लिए, और गन मेरे पास फ़िलहाल नहीं है। यहाँ पे पॉइंट करके देखती हूँ कुछ है, पॉइंटर तो नहीं हो रहा यहाँ पे, बट पता नहीं यहाँ पे इस तरह की क्यों बनाई गई है। उस कोने में भी है क्या? नहीं, उस कोने में नहीं है, तो फिर इस कोने में ये क्यों बनाई गई है ऐसे, समझ में नहीं आया मुझे। चलो मे भी हो सकता है ऐसे ही कुछ हो। खैर अभी हम चलते हैं यहाँ से ऊपर वापस, क्योंकि ऊपर के भी बहुत सारे काम करने हैं। लाइक कौवे के पास जो इन्होंने सेब की छुपाई है ना, ये बड़ा मुश्किल काम कर दिया है, क्योंकि अभी बर्ड फीड लाऊंगी, फिर जाके मैं कौवे को दूंगी, फिर वो मुझे देगा, वरना कौवा भी जख्मी कर देता है और मार देता है। तो सीरियसली इट्स अ वेरी बैड 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 थिंग, बट क्या कर सकते हैं हम भाई, गेम है, गेम बनाने वाले ने हमें ऐसी ही गेम दी है। और मैं हैमर लेके ऊपर जाती हूँ यहाँ से, लेकिन पहले तो मुझे इस ग्रैनी का काम, देखा कैसे भागती हुई आई है, बट खैर मैं भी ग्रैनी के ऊपर तवज्जो नहीं देने वाली। मैं भी यहाँ से इसको लेके जाऊंगी, दरवाज़ा तोड़ूंगी, ग्रैनी आए आई डोंट केयर, क्योंकि भाई मुझे अपना काम करना है, वो अपना काम कर रही है और मुझे अपना काम करना है। तो ये साथ यहाँ से लकड़ियाँ हट जाएंगी, मैं यहाँ से अंदर ले जाऊंगी, फिर हैमर भी दोबारा उठाना है, यहाँ पर पार्ट ऑफ अ शॉट गन है, और ये पार्ट ऑफ अ शॉट गन हमारे बहुत काम आने वाला है, क्योंकि हमने शॉट गन भी तो बनानी है। लाइक अभी हमने मीट लेना है, शॉट गन बनेगी तभी मीट दे के मैं स्पाइडर को फिर उससे कुछ ना कुछ ले पाऊँगी, और खाली मीट से वो किल नहीं होने वाला, उसको मीट दे के फिर शॉट गन से मारना पड़ता है। तो ये क्या कर रही है भाई, नज़र नहीं आई, लगता है वापस चली गई है, क्या बाहर जानबूझ के खड़ी हो गई है, आई थिंक सो।
बाहर की तरफ ड्रॉप कर लेती हूँ कि बार बार इधर अंदर ना आना पड़े, और ये हैमर यहाँ से उठा लेती हूँ। और अब तो खैर मैडम ने आके यहाँ पे ट्रैप लगा ली है। बहुत ही लाइक कमीनी किस्म की औरत है, कमीनी किस्म की ग्रैनी है। हर ग्रैनीज तो आई थिंक वैसे भी कुछ सोच रही होती हैं, नैनीज अच्छी होती हैं, बट ग्रैनीज ओह क्या ही कहने। तो हमें ये गेम में भी कुछ इसी टाइप की ही ग्रैनी मिली है। अभी मैडम ट्रैप लगा के गई हैं और मुश्किल काम कर दिया इसने मेरे लिए, क्योंकि ट्रैप लगा हुआ है तो अब मैं नहीं यहाँ से निकल पाऊँगी काफ़ी देर तक। लाइक एक दो मिनट तो इसने मेरे गेम प्ले में ज़ाया कर दिए। और अब मुझे मैडम पे शदीद गुस्सा भी आ रहा है, भाई तुम्हें क्या शौक़ है इधर ट्रैप्स लगाने का बहुत बार। लाइक मतलब ऐसी जगह पे तो लाजमी इसने ट्रैप लगाना होता है जहाँ से हमें कहीं और जाने का रास्ता ना मिलता हो। तो इन चीज़ों पे तो कोई काम नहीं है, और इधर भी आज कुछ भी नहीं रखा गया, बस इस मियाँ के पास सेफ की ही है जो कि हमारे काम आ सकती है थोड़ा बहुत। बट आवाज़ आई है तो मैडम फिर से आएंगी और अब की बार तो आके मुझे ज़रूर किल करेंगी, तो इसीलिए मैं नीचे आके छुप गई हूँ। आई थिंक काफ़ी दूर गई हुई थी इसीलिए इसको टाइम नहीं मिल रहा आने का, और एक तो उसे ये भी पता है कि मैंने रास्ते में ट्रैप लगाया हुआ है तो खुद जानबूझ के लेट आएगी। इसकी हंसी ना, इसकी हंसी से मुझे शदीद गुस्सा आता है। अब भी एक और ट्रैप लगा के चली गई है यार, शी इज सो लाइक इरिटेबल, तो बहुत ही तंग कर दिया ना। इसको ट्रैप लगाने का तो इतना एक शौक है ना कि शुक्र है अभी ऊपर ही लगाया था इसने, नीचे नहीं लगाया हुआ था। और कभी भी गेम अच्छा प्ले हो रहा हो ना तो हमेशा गेम में एरर आ जाता है कोई ना कोई। यहाँ से पार्ट ऑफ शॉटगन में जाके लगा लेती हूँ गन के साथ, और इधर देख लेती हूँ कोई और नहीं है इधर, और यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो मुझे दूसरा पार्ट भी लगा लेना चाहिए, फिर उसके बाद तीसरा पार्ट भी लगाना है। खामोशी से जाके दूसरा भी लगा लेती हूँ ताकि तीसरा भी लगाने का मौका मिल जाए बाद में। तो यहाँ से चलते हैं वापस। और अब मुझे क्या उठाना है कि मुझे वहां से हैमर वापस उठाना है, तो उसके लिए मुझे इसको इधर बुलाना पड़ेगा ऐसे, बट आवाज नहीं आई इस बार। चलो अब चलते हैं।
अब देखते हैं ये इधर आती है या फिर उधर। मुझे सबसे पहले ये स्पार्क प्लग लगा लेना चाहिए। मुझे गेम में भूल ही गया था कि यहाँ पे मैंने ट्रैंक्विलाइजर भी बनाया हुआ। अब मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि मैं पहले केवल ये अलमारी चेक कर लूँ कि यहाँ पे क्या है। इसको बंद कर लेते हैं, इसको भी बंद कर लेते हैं, व्रेंच ले लेते हैं यहाँ से, बाकी ये वाली सीक्रेट डोर भी खोल के देख लेते हैं कि इधर कुछ है। वैसे कुछ होता तो नहीं है लेकिन फिर भी देखना बेहतर है। और बाकी ये वाला कमरा शायद मैंने देखा है, शायद नहीं देखा, लेकिन एक बार और देख लेती हूँ। रेंच का एक ही जगह काम है जो कि गाड़ी में है काम, तो इसको मैं नीचे ही ले जाती हूँ। आगे उसने ट्रैप लगाया हुआ था तो अब मुझे यहाँ से ऊपर चले जाना चाहिए। नीचे वाले दो दरवाज़े तो मैंने खोल लिए, एक मेन डोर और एक नीचे वाला जो खोलना था। अब बस ये खोलना है और ये वाला एक उठा के इधर प्लेस करना है। तो प्लेस हो गया, अब अंदर से अलमारी देख लेती हूँ, फिर मैं इधर चली जाऊँगी साथ में। पार्ट ऑफ अ शॉटगन मुझे मिल गया। मैं यहाँ से हैमर उठा लेती हूँ और हैमर उठा के मैं अंदर की तरफ चली जाती हूँ, तो स्क्रू ड्राइवर वाला काम भी कर लेंगे बाद में। वहाँ पे स्क्रू ड्राइवर से कॉक व्हील मिलेगा हमें। ये काम मैं करके अब इधर से गैसोलीन कैन ले लेती हूँ और फिर बस स्क्रू ड्राइवर वाला काम रह जाएगा यहाँ पे। आई थिंक कार की बैटरी अभी तक मुझे नहीं मिली, जो कि मिलना इम्पोर्टेंट है। हो सकता है वो स्पाइडर के पास हो।
अभी तक आई नहीं है। हमारा डे टू स्टार्ट हो गया और इसकी ड्राइवर वाला काम करना है अभी, बाकी स्क्रू ड्राइवर यहाँ से उठा लेते हैं। स्क्रू ड्राइवर नहीं, कटिंग प्लायर्स, सॉरी। तो स्पार्क प्लग है, अब बस कटिंग प्लायर का काम मेन डोर पे है और फिर ऊपर ले जाऊंगी मैं कुछ करने ऐसे वाली हूँ कि मैं यहाँ पे फेंकती हूँ, अब ये थोड़ा सा इधर आएगी तो मैं ऊपर की तरफ जाऊंगी। हाँ भैया, अब मैं जाती हूँ ऊपर की तरफ, ऊपर वाला मेन डोर खोल लेती हूँ पहले। और बस ये कॉक व्हील लेने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ी है, लेकिन कोई बात नहीं, शोर हुआ है तो मैं नीचे बैठ जाती हूँ ये लेके, क्योंकि शोर से तो वो फौरन आएगी। सेफ की हमें मिली थी कहीं पे, सेफ की है कव्वे के पास और उसके लिए हमें बर्ड फीड चाहिए। बर्ड फीड का अभी तक नहीं पता चला मुझे कहाँ पे है, या शायद मुझे याद नहीं रहा। बर्ड फीड मेरे ख्याल से वेब स्पाइडर के पास भी हो सकता है और उसके पास बैटरी भी हो सकती है, क्योंकि हैमर, स्क्रू ड्राइव, रेंच और हमारे पास कटिंग प्लायर भी है। बट अभी हमने सेफ भी खोलनी है। स्क्रू ड्राइवर तो वो नीचे पड़ा हुआ है वहाँ पे, उसको गन से शूट करके ही लिया जा सकता है। बहुत खतरनाक है, ठीक है।
इस टाइम पे फॉरेन से आई थी, इसका पता ही नहीं चला मुझे। लेकिन इस बार मैं इसको बेहोश करके ही जाऊंगी। यहीं पे ड्रॉप करके अब मैं ऊपर जाऊंगी। ये जानबूझकर ऐसी जगह पे गिरती है ताकि रास्ता थोड़ी देर के लिए ब्लॉक हो जाए और हम लोग नीचे ना जा सकें। पार्ट ऑफ अ शॉटगन यहाँ पे गिरा हुआ है, बट मेरे लिए अभी कॉकटेल भी इम्पोर्टेंट है और बाकी तो चलो कुछ नहीं है। तो कॉकटेल लेके मैं यहाँ पे पहुँचा दूँगी। यहाँ पे आके ड्रॉप कर दूँगी। इसके अलावा यहाँ से विंच हैंडल लेके ये भी मैं यहाँ पे पहुँचा दूँगी और ये भी यहाँ पे ड्रॉप कर दूँगी। वो भी वो तो मास्टर की है। कॉक भी लेकर और नहीं मिला, पता नहीं अब वो विंच हैंडल से मिलेगा या कहाँ से मिलेगा। खैर फिलहाल मैं अपनी अच्छा एक कॉक भी लिए है तो ये भी मैं यहाँ पे पहुँचा लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं यहाँ से अपनी गन ले आती हूँ, पार्ट ऑफ अ शॉट गन। बल्कि अभी तो मैं भूल गई हूँ कि मैंने कहाँ रखा है पार्ट ऑफ अ शॉट गन। आई थिंक नहीं ब्रांच है ये ऊपर गिरा है कहीं पे। हाँ ये गिरा हुआ है। ये लेके अब मैं सीधा डायरेक्ट नीचे नहीं जा रही, मैं यहाँ से इंजन मिला हुआ और अभी यहाँ पे दो तीन काम भी हैं। लेकिन अभी सेफ की भी लेनी है और सेफ की लेके ही कॉक व्हील्स लगेंगे। देखते हैं इसके अंदर से क्या मिलता है। इसके पास तो मुझे इंजन मिला है लेकिन मुझे इंजन लगाने के लिए भी तो अभी मुझे बैटरी भी तो चाहिए ना। तो स्क्रू ड्राइवर भी ज़रूरी है क्योंकि वो वाली सेफ भी देखनी है। इसके अलावा सेफ की भी होनी चाहिए कहीं से हमें, और इसके अलावा हमें कार की बैटरी भी लेनी चाहिए। यहाँ से दोबारा जाऊँगी और दोबारा से ग्रैनी को बेहोश करके ही कोई काम करूँगी क्योंकि अब मेरी लाइफ कम है और दूसरा मुझे अभी स्पाइडर से भी कुछ ना कुछ लेना है। मैं ऐसा करती हूँ इसको लेके यहाँ से चली जाती हूँ क्योंकि इस वाले रास्ते से जाना थोड़ा आसान है और फिर मैं गन भी बना लूँगी। लेकिन इसमें तो आगे ट्रैप लगाया हुआ है। Where are you?
फिलहाल मैं कुछ ऐसा करती हूँ कि इसको यहाँ पे ड्रॉप करती हूँ, ओके। और अब मैं यहाँ से जाके वो सामने से स्पेशल की ले लेती हूँ। अभी तक आई नहीं है, आ गई है। तो इसने तो वैसे भी यहाँ पे ट्रैप लगाया हुआ था, तो मैंने कहा चलो मैं नीचे जाके पहले गन ही बना लेती हूँ। बट अभी मुझे सिर्फ कार की बैटरी नहीं चाहिए, अभी मुझे पैडलॉक की भी चाहिए। इतना बड़ा ट्रैप लगा हुआ था, तो इस वजह से मैं थोड़ी देर के लिए रुक गई थी। बट अब मैं करने वाली ये हूँ कि मैं इसको शूट करूँगी और ड्राइवर नीचे गिरेगा, तो मैं पहले गन में बुलेट्स डाल लेती हूँ दोबारा से और गन दोबारा वापस नीचे पहुँचा देती हूँ, क्योंकि अभी तो काम तमाम करना है। और मीट मुझे भूल गया है कि मैंने किधर रखा था, तो यहाँ से ड्रॉप कर लेती हूँ और ये स्क्रू ड्राइवर भी उठा के ड्रॉप कर लेती हूँ। इसके अलावा ये गैसोलीन कैन भी उठा के ड्रॉप कर लिया, और इसके अलावा ये वेंच भी उठा के ड्रॉप कर लेती हूँ नीचे। तो मैं सबसे पहले यहाँ से उठाऊँगी स्क्रू ड्राइवर उठा के सबसे पहले मैं ये खोलूँगी, क्योंकि पहले भी मैं स्क्रू ड्राइवर से खोल रही थी एक गेम प्ले में, तो ट्रैनी मैडम आ गई थी ऊपर से और इसने मुझे आगे किल कर लिया था। तो इसके अंदर से मुझे सेफ्टी मिली है,
खैर अब ग्रैनी मैडम उधर आ रही होंगी तो मैं इधर से सेफ में जाके जल्दी से देख लेती हूँ कि क्या है। कार बैटरी तो मुझे मिल गई और अब मैं कार की बैटरी लेके चलती हूँ। और भाई अब मुझे सिर्फ पैडलॉक की चाहिए और अब पता नहीं पैडलॉक की कहाँ पे मिलेगी। भाई इंजन का पार्ट मैं भूल गई हूँ किधर था, बट वो भी मिल ही जाएगा। तो ये ट्रैंकुलाइजर में ड्रॉप करती हूँ, इसको उठा के बाहर ड्रॉप करती हूँ और यहाँ से ये उठाती हूँ क्रॉस को, यहाँ से ये उठाती हूँ और अब आएगी तो इसको बेहोश करते हैं। तो ग्रैनी तो बेहोश हो गई, अभी हम स्पेशल की लेके ऊपर चलते हैं। और बाकी मिल तो मैं भूल गई हूँ कि कहाँ पे था, बट कोई नहीं, मीट भी देख लेंगे कि यहाँ पे है। बट फूड मुझे सही से याद नहीं आ रहा, बल्कि देखा ही नहीं है आई थिंक, ताकि मैं उसे सेव की तो ले सकूं। बट मीट मुझे नहीं समझ आया कहाँ पे भूल गई हूँ मैं। नहीं समझ आ रहा यार मीट कहाँ पे भूली हूँ मैं। मीट तो हमारा वहाँ पे है, दलदल में है मीट, तो यहाँ से मैं क्रॉस को उठाती हूँ। और इसका डार्ट किधर है, ट्रैंकुलाइजर कहाँ पे गिरा है, गिरा है ये उठाया और मीट मुझे दलदल से लेना है। इसको बेहोश करती हूँ फिर दलदल से जाके लेती हूँ। का डार्ट कहाँ गया यार, बहुत दूर जा गिरा।
खैर अभी हमने इसको दोबारा से इधर बुलाना है क्योंकि हमने जाना है दलदल में। दलदल में जाहिर है मैं जब वो मारूंगी फायर चलाऊंगी तो ये तो आ जाएगी फौरन से। दलदल में जाने के लिए पहले मुझे गन लेनी पड़ेगी और लेना पड़ेगा, गोलियां लेनी पड़ेंगी। माय गॉड यार, बहुत ही तंग करके रख दिया इसने तो मुझे। अब आई थिंक मुझे गाड़ी वाले बाकी काम ही कर लेने चाहिए पहले क्योंकि टाइम वेस्ट हो चुका है और मैं अगर दलदल में जाऊंगी तो मैं फंस जाऊंगी। इंजन पता नहीं मैं काम भूल आई हूँ, बट चलो वो भी लग जाएगा। अगर वेंच नीचे ही होगा तो चलो इंजन का पार्ट भी लगते हुए इतनी टाइम नहीं लगता। वेंच इधर ही लेफ्ट करके जा रही हूँ, इसमें सिर्फ रिमोट है और ये सेव की है, बाकी अब मैं यहाँ से ये ले लूँ, डार्ट ले लूँ और यहाँ से ये। अभी गैसोलीन कैन लेके इसको बुलाते हैं इधर, जाग तो गई होगी। अब मैं जाऊंगी यहाँ से ऊपर दलदल में और दलदल में जाके मैंने लेना है जो भी है दलदल में। भाई मुझे गुस्सा आ रहा है, इसको यहाँ पे ड्रॉप किया शॉटगन को, मीट लिया यहाँ से और बाकी इसके पास कुछ भी नहीं होता है। मीट भी ड्रॉप किया और फ्रीज ट्रैप भी ले चलते हैं।
क्या है यार, इसके अंदर तो मैं खुद ही फंस जाती हूँ। भी अब आए तो इसे लगे। शुक्र है, 2 मिनट के लिए अब ये तो गई। और कान मुझे ऊपर लेके जानी है जल्दी से भी जल्दी। अभी मैं यहाँ से फिर से दलदल में जाऊँगी और फिर से दलदल से गन लूँगी, गन लेके फिर ही मैं ऊपर आ सकूँगी। बट मुझे लग रहा है मुझे ये गलती नहीं करनी चाहिए, मुझे एक बार दोबारा से ग्रैनी को बेहोश करना चाहिए क्योंकि स्पाइडर के टाइम वो बहुत तंग करती है। बस इसको एक ही बार ट्रैप से हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं हुआ। लाइक एक ही बार ट्रैप काम कर रहा है, लेकिन अभी तो मैं फिलहाल इंजन भूल गई हूँ कि इंजन कहाँ पे मैंने रखा है, बिल्कुल याद नहीं आ रहा इंजन। देखा कहाँ है मुझे तो ये भी अभी याद नहीं आ रहा। मे बी किचन में रखा है या फिर किचन वाले विंडो के पास है कहीं पे, मे बी वो भी सही से नहीं पता। और अभी कोई पता नहीं कि इसको कुछ होने वाला है स्पाइडर को या ये मेरा काम तमाम करेगा, कोई पता नहीं। तो ये इधर ही गन ड्रॉप की मैंने और खड़ी होके जाऊँ, यार ग्रैनी आ जाएगी।
बस ग्रैनी बेहोश रहे, क्योंकि इतना लंबा काम नहीं है, बस इसको मैंने लेके जाना है कव्वे के पास, और कव्वे के पास ही काम होगा। लेकिन अभी देखते हैं इसके पास हमें वो मिलती है, पैडलॉक की मिलती है या नहीं मिलती। ओह शुक्र है यहाँ पे मुझे मिल गया ये। पहले ये उठा लें क्योंकि जैसे ही आवाज आएगी तो वो आ जाएगी। ओह पहले तो ये दरवाजा बंद करना है यार, आ ही ना जाए। शुक्र है ये अंदर नहीं आई, वरना मुझे लग रहा था कि इसने मुझे देख लिया है। पैडलॉक की मिल जाए बस इस बार, मेरा ये एस्केप डन हो जाए इस बार। इतनी ज़्यादा बेइज्जती ना हो, इतनी ज़्यादा इंसल्ट ना हो लाइक मेरी। माय गॉड शुक्र है फाइनली माय स्केप डन हो जाएगा आज। माय गॉड अब मुझे आसरा हो रहा है कि हाँ भाई वाकई गेम अच्छी बनी हुई है, वरना तो मैं गुस्से से लाल पीली हो रही थी कि गेम इन्होंने अच्छी नहीं बनाई भाई। लेकिन पैडलॉक कोड अभी तक मिसिंग है वैसे। Like, अगर कार एस्केप डन हो सकता है तो पैडलॉक कोड क्यों मिसिंग है, वो भी तो होना चाहिए ना, कहीं ना कहीं हमें पैडलॉक कोड भी मिलना चाहिए था, बट वो नहीं मिला, ना ही वो किसी सेफ में था। बट फिलहाल अभी तो मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि मैं वहाँ से इंजन लूँ, और इंजन लेके मैं उसके साथ फ्रेंच लगा के सारा काम करके पैडलॉक कोड लगा के पैडलॉक की लगा के यहाँ से एस्केप करूँ। आगे बैठी ना हो, तुम लोग देख सकते हो कि लाइक मास्टर की भी है और बाकी सब चीज़ें मेन गेट की भी कंप्लीट हैं, बट बस एक जो चीज़ मिसिंग है वो पैडलॉक कोड है। पैडलॉक कोड पता नहीं कहाँ पे है वैसे। ऑल थिंग्स कंप्लीट है मेरी, बस मैंने ब्रेंच के साथ वो लगाने हैं और मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा।
एक बार फिर से इसको बुलाते हैं और इसको बेहोश करते हैं। अब चलते हैं नीचे। बट पैडलॉक कोड क्यों नहीं मिला मुझे? मुझे तो ये टेंशन हो रही है कि भाई पैडलॉक कोड क्यों नहीं दिया मुझे। लाइक इतनी खुशी हो रही है ना मुझे ये वाला एस्केप करने की तुम लोगों के सामने, वो भी इजी पार्ट में ग्रैनी के होते हुए। बहुत ही अच्छा लग रहा है। लाइक लगता है मुझे डेवलपर ने ना माइंड कर लिया मेरी इस बात का कि गेम अच्छी नहीं बनाई गई, सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बावजूद नहीं खेला जाता। तो बस अब यहाँ से गैराज का डोर खोलते हैं और चलते हैं बाहर। स्टार्ट, रिवर्स मारा और अब हम इसको फॉरवर्ड करेंगे। ये रिवर्स और फिर से ये रिवर्स, फिर से फॉरवर्ड। ग्रैनी बाय बाय। अब क्या हुआ, आप तो मुझे बड़ा तंग करती थी। माय गॉड, फाइनली माय एस्केप डन, माय एस्केप डन। यार मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो तुम लोगों को भी अगर खुशी हुई है तो सब्सक्राइब करो चैनल को, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब कुछ करो यार। बस मेरी खुशी को अपने साथ एंजॉय करो।